वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। तो हम मरना नहीं चाहते, हम शांति से जीना चाहते हैं। हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं। तीन दिन में हम सुराना गांव पलायन कर रहे हैं, पूरा गांव हम हिंदू समाज छोड़ रहे हैं। वहाँ पे इसमें उत्तर प्रदेश में भी पहला कोरोना गांव हुआ है। खाली बोले तेरे हाथ पर तोड़वा के तेरे रासुका लगा दो, तू हिंदू नेता बहुत बन रहा है। हम सब मुस्लिम लोगों से गांव में आबादी उनकी ज्यादा है और आए दिन झगड़े पे उतारू देते हैं। नमस्कार, मैं अमन, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। ये घर बिकाऊ है, आपने ये तस्वीर बहुत बार देखी होगी। कैराना, सुरैना और दिल्ली से आए दिन ये तस्वीर सामने आती थी, जहां पर हिंदू लोग मजबूर थे अपना घर छोड़ने के लिए, वो पलायन कर रहे थे दूसरी तरह। वजह थी यहाँ पर कि कुछ खास मजहब के लोग इनको इतना प्रताड़ित करते थे, इनको इतना परेशान करते थे कि ये बेचारे अपने घरों पर ये चिपका कर कि ये घर बिकाऊ है और वहां से वो पलायन कर रहे थे। ये खबरें आई, उसके बाद इन सब पर एक्शन भी लिया गया। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई वो इन सबसे अलग है। यहाँ पर हिंदू लोग नहीं, यहाँ पर लिखा गया है कि भैया यहाँ पर बीजेपी का आना मना है, बीजेपी के नेताओं का आना मना है। घरों के ऊपर पोस्टर लगा दिए गए, हालांकि जिनका घर है उन्होंने पोस्टर नहीं लगाए, कुछ शरारती तत्वों ने लगाया। लेकिन इसके बाद यूपी पुलिस ने भी तगड़ा एक्शन लिया। यूपी पुलिस ने इन सभी को ऐसा तोड़ा कि ये पोस्टर लगाने के बारे में 7 जन्मों में भी नहीं सोचेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक मकान के आगे लगा एक पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस पोस्टर में लिखा है, इस मकान के अंदर बीजेपी वालों का आना मना है, केवल RLD वालों का ही प्रवेश है, आज्ञा से अंकुर कुमार RLD। कुछ ही देर में इस पोस्टर पर कई मीडिया संस्थानों ने खबर बना डाली। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि शामली विधानसभा क्षेत्र के गांव लिलोन में कई बार लोगों ने अपने घरों और गेट पर लिखा है कि भाजपा वालों का आना मना है। इस खबर को अंकुर कुमार, पिंटू सिंह, साहब सिंह, ओमपाल सिंह, वीर सिंह, गुड्डू, रामवीर, नीटू कुमार और सभी के बयानों के आधार पर बनाया गया। खबर में गांव वालों के गुस्से के पीछे गन्ने का भुगतान, बेरोजगारी और गोवांश द्वारा फसलों के नुकसान को बताया गया। इसी के साथ ही किसी हरेन ताऊ का भी जिक्र किया गया। वहीं शामली पुलिस की जांच में यह मामला किसी भी सोची समझी शरारती के तत्व पाया गया। शामली पुलिस ने इसे पूरे मामले में जवाब दिया है। पुलिस के मुताबिक जांच करने पर मकान मालिक ने बताया है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा मकान मालिक की मर्जी के बिना ऐसा काम किया गया, लिखा हुआ पोस्टर मिटा दिया गया है और जितने भी यहाँ पर लोग इसमें शामिल थे उन्हें यूपी पुलिस धर दबोच रही है। 2-3 लोग को यहाँ पर दबोचा भी गया है और तोड़ा भी जा रहा थाने में कि भैया ये चुनाव से पहले आप ऐसा माहौल क्यों पैदा कर रहे हो, कहीं पर दंगा हो या पर कहीं पर मारपीट हो। यूपी पुलिस ने भी ठान लिया है कि जो पलायन कर रहे थे उन पे तो यहाँ पर उनको तो बचाया गया, उनके खिलाफ जो भी धारा जो भी वो आरोप लगा रहे थे उन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ। अब एक बार फिर से जब ऐसे यहाँ पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी से इतनी नफरत करते हैं लोग, लेकिन पुलिस ने भी ठाना है कि भैया यहाँ पर इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि ये अब आने वाले अपने 7 जन्मों में भी पोस्टर लगाने के बारे में नहीं सोचेंगे। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।